नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ 5 दिन इस नुस्खे को करने से लंबे होते बाल देखकर चक्कर खा जाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी अपने बालों को काले, लंबे, घने और शाइनी करना चाहते हैं तो आज का यह नुस्खा आपके बहुत ही काम आने वाला है और बहुत ही इजी रेमेडी है और इसे बनाना भी आसान है और कम समय में इस मैजिकल नुस्खे को घर पर आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों, बालों की डलनेस और हमारे बालों की कंडीशन को ख़राब करती है, उन्हें रूखा बना देती है और काफ़ी हद तक हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन आज का यह ट्रीटमेंट आपके बालों की हर हेयर ग्रोथ को तो फास्ट करेगा ही, साथ ही बालों की डलनेस को ख़त्म करके बालों की चमक को भी बरकरार रखेगा और चमक लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगर आप भी इस नुस्खे को करना चाहते हैं और बालों को लंबे करना चाहते हैं तो इस नुस्खे को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप यह नुस्खा आसानी से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर करना मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें और बेल के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए और आप उसे देख सकें। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहली चीज़ ड्राई भृंगराज को लेना है। दोस्तों, भृंगराज एक ऐसी मैजिक हर्ब है जो बालों को थिक, ग्लोजी और हेल्दी बनाने का काम करती है, जिससे बालों को डलनेस खत्म करके आपके बाल चमकदार, रेशमी और लंबे भी बन पाएंगे और बालों का टेक्सचर इतना अच्छा होगा कि बालों में हाथ लगाने से आपको सॉफ्टनेस फील होगी और आप अपने बालों में एक बहुत अच्छा चेंज होते देख पाएंगे। दोस्तों, अगला इंग्रेडिएंट आपको करी लीफ लेना है। दोस्तों, करी लीफ जिसको मीठी नीम भी कहते हैं, यह पत्ते हेयर ग्रोथ को फास्ट करने का काम करते हैं, रुक चुकी हेयर बल्ब की ग्रोथ को दोबारा से शुरू करके बालों को तेजी से लंबे करने का काम करते हैं ताकि बाल फुल स्पीड से लंबे हो पाए और बालों की तेजी से ग्रोथ हो पाए। दोस्तों, अगला इंग्रेडिएंट बालों के लिए वरदान है, यह है मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। यह बालों के लिए एक नई जान डालने का काम करता है। कितना भी सीरियस हेयर लॉस हो, आप हेयर रीग्रोथ चाहते हैं तो फेनुग्रीक एक इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है जो बालों की रीग्रोथ को फास्ट करता है और नए बाल दोबारा से उगने में भी आपकी हेल्प करता है और बाल्डनेस की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए आपकी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगला इंग्रेडिएंट आपने गुड़हल के फूल को लेना है, जिसको हम हैबिस्कस फ्लावर कहते हैं। गुड़हल के फूल बालों की हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बाल पूरी मजबूती से लंबे होते चले जाते हैं, जिससे उनकी हेयर ग्रोथ रुकती नहीं और लगातार बालों का लंबा होना चलता रहता है, जिससे आप बहुत तेजी से लंबे बाल पा लेते हैं। दोस्तों, अगले इंग्रेडिएंट को बताने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूवर्स के लिए, यदि आप बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए वेबसाइट या प्रोडक्ट पेज बहुत फायदेमंद होता है, जिससे आपके बिजनेस के क्लाइंट अधिक जानकारी पा सकते हैं। यदि आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं और घर बैठे कमाना चाहते हैं तो आज ही हमारा कोड इस्तेमाल करें और पाएं 50% डिस्काउंट cobbomall.in पर और साथ ही पाएं साल भर फ्री मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस अपडेट सर्विस। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। cobbomall.in का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उस पर क्लिक करके इस मौके का फायदा उठा पाएं। दोस्तों, अब इस नुस्खे को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में 250 ग्राम कोकोनट ऑयल ले लें। आप इसे गैस पर रखकर लो फ्लेम पर गर्म करना शुरू कर दें और अब इसमें थोड़ा सा ड्राई भृंगराज भी डाल दें और उसके बाद आप इसमें करी लीफ भी डाल दें
और उसके बाद आप 2 से 3 चम्मच हल्का क्रश किया हुआ मेथी दाना भी इस ऑयल में डाल दें और लास्ट में आप 2 से 3 लीफ गुड़हल के फूल के पत्ते भी इस ऑयल में डाल दें और 10 से 15 मिनट तक इस ऑयल को बॉयल करें। 15 मिनट बाद गैस को बंद करके इसे ठंडा होने दें और ठंडा होने पर इसे छान लें। अब इस ऑयल की हेयर मसाज अपने बालों में करें और रात भर इसे अपने बालों में लगे रहने दें। इस प्रकार यह नुस्खा आपको 5 दिन में इतने लंबे बाल देगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतने लंबे बाल आपको मिल पाए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने लंबे बालों को बहुत ही आसानी से पा सकेंगे और आपके लंबे बालों की ख्वाहिश भी पूरी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मैं कुछ नए नुस्खे, कुछ नए उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।